सबका स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं रोस्टेड मशरूम। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसे बनाने के लिए चाहिए हमें लिया 3 चम्मच बड़े दही। इसमें हम 2 चम्मच बेसन मिला देंगे, 2 चम्मच तेल मिला देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल देना है और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारी चीजें हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। अब हम इसके अंदर मशरूम डाल देंगे। ये मैंने 400 ग्राम मशरूम लिए हैं और बड़ी साइज के लिए हैं। बड़ी साइज के मशरूम रहने की वजह से स्टफ अच्छे से हो जाते हैं। और इसे 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिए। 2 घंटे हो गए, मैंने इसे फ्रिज पे रखा था, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। अब हमें एक एक करके इसे नॉन स्टिक पैन पे हल्का हल्का सा बैक करना है, चारों तरफ से बैक करना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो पाए और वो रोस्टेड जैसा फ्लेवर देने लगे। मैंने एक नॉन स्टिक पैन रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, जरा सा डालना है। और एक एक मशरूम करके हमें इसे हल्का सा ग्रेवी निकाल के और ऐसे डाल देना है। मैंने एक पैन पे सारे मशरूम को निकाल दिया है। अब हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे हल्का हल्का, देखिए ये बैक भी होते जा रहा है, हमें पलटाते जाना है क्योंकि जल्दी जल्दी बैक हो जाते हैं, नॉन स्टिक पैन है। और ऐसे हल्का हल्का इस सबको पलटाते जाइए। मशरूम चारों तरफ से अच्छे से बैक हो गए हैं, आप देख रहे हैं सब तरफ से ये क्रिस्पी दिख रहे हैं। आइए इसे सर्व करते हैं। रोस्टेड मशरूम बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे स्टार्टर के रूप पे टी टाइम पे खा सकते हैं। इसे आप अपने घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए टी टाइम। और अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।